लालगंज में सियासी पारा आखिरकार गर्मा ही गया और वो दिन आ गया जब नामांकन की तिथि घोषित हुई और आज नामांकन है। अब देखना यह है कि लालगंज में जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है वहां पर भाजपा अपना झंडा गाड़ पाती है और फिर से एक बार कांग्रेस के गढ़ में भेद लगा सकती है या नहीं। और ये भी देखना होगा कि कांग्रेस अपनी साख बचाने के लिए क्या हथकंडे अपनाती है। सर, लालगंज में आज ब्लॉक प्रमुख उपचुनाव होने वाले हैं, उसका नामांकन है आज। क्या लगता है आपको, कांग्रेस के गढ़ में आप एक बार फिर से भेद लगा करके अपना झंडा फहराएंगे या कांग्रेस फिर से अपना वहां रसूख कायम करने में कामयाब होगी? नहीं, भाजपा जो है, भाजपा पार्टी का उम्मीदवार हूँ, भाजपा पार्टी पूरे देश में राज कर रही, तो हम बीबीसी से निवेदन करेंगे आपके माध्यम से कि रामपुर खास में लोकतंत्र की रक्षा के लिए बीडीसी पुनः उसी तरह निर्भीक होकर मुझे चुनेंगे और जैसे चुने थे। क्या संदेश देना चाहेंगे जो है जनता को, कि आपसे अपेक्षाएं जो जनता को है, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश 700 का विकास तो है ही है, यहाँ पर हो रहा है, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए, यहाँ लोकतंत्र ही नहीं रक्षित है, लोकतंत्र में ही खतरा है। यहाँ रामपुर खास में वैधानिक पद से चुने हुए प्रत्याशियों को हटा दिया जाता है, यहाँ गुंडागर्दी खत्म करने के लिए हमें चाहेंगे यहाँ के बीडीसी, समस्त बीडीसी जो है फिर एक बार निर्भीक होकर मुझे वोट दें और तब बीडीसीओं का सम्मान बना रहेगा। किसी विधायक और नेता से कहने पर यहाँ के बीडीसी काम नहीं मिलेगा, स्वयं बीडीसी अपने में प्रमुख होंगे। ठीक, धन्यवाद। लालगंज में प्रमुख पद के लिए उपचुनाव आज से, आज बीडीसी तय करेंगे यहां के भाग्य विधाताओं के भाग्य। आखिर किसके सर बंधेगा सहरा और किसके भाग्य होंगे खाली, अब देखना यह है, या तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार यहां का विजेता कौन होता है। कैमरा पर्सन राजीव तिवारी के साथ अरविंद दुबे। क्या आपको पूरा विश्वास है कि आप जो है अपना विश्वास में हासिल कर ले जाएंगे? बिल्कुल, हमको अपने बीडीसी पे पूरा भरोसा है और सारे बीडीसी पे भरोसा है कि वो हमारे साथ जो हैं सब हमारे समर्थन में हैं, हमारे साथ जो है पूरी तरह से वो डट के हैं हमारे साथ। क्या लगता है कि कांग्रेस गढ़ में एक बार फिर से बीजेपी का झंडा फहराएगा या कांग्रेस के ही गढ़ में फिर से एक बार कांग्रेस की विजय होगी? कांग्रेस की विजय होगी, ये सब अफवाहें हैं, यहाँ जो है कांग्रेस का ही परचम लहरा है। ठीक, धन्यवाद। यहाँ का सियासी पारा आखिरकार गर्म नजर आने लगा है। फिलहाल यहाँ पे जो शासन और प्रशासन है वो भारी मात्रा में मुस्तैद है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। अब देखना यह है कि यहाँ के जो बीडीसी सदस्य हैं वो किसके सर पे सहरा बांधते हैं और किसके भाग्य को खाली करते हैं, या तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार यहाँ का विजेता कौन होता है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद दुबे।